फैमिली वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फ्रेंसी मयूरी यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लिपस्टिक्स का रिव्यू। और इसके पहले मैंने एक वीडियो शूट किया है, एक्चुअली आज सैटरडे है, मैं बैक टू बैक वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है वीकडेज़ में मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है, तो वीकेंड में जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें मैं वीडियो जो है शूट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर्ल किए हैं बालों को और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे इसने क्यों किया है, तो इसके पहले मैंने जो एक हेयर अप्लायंस का वीडियो शूट किया था तो उस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि कौन से हेयर अप्लायंसेस यूज़ करके मैंने ये स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग किए। तो यू कैन सी मेरे पास इतने सारे लिपस्टिक्स है, तो इस सब का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, FB पे फॉलो करते हो, यूट्यूब पे भी फॉलो करते हो, सारी जगह पे मेरे वीडियोस देखते हो, पसंद भी करते हो, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, वीडियोज़ को शेयर करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक, ये शेयर करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक। एक्चुअली इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी लिपस्टिक्स है, लेकिन इसमें से जो लिपस्टिक्स है, चार लिपस्टिक्स मेरे भाई ने लाई हुई थी यूके से, तो उसका लिंक मेरे पास नहीं है, बट मैं उसका शेड आपको दिखाऊँगी और सिमिलर शेड का लिपस्टिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका प्रोवाइड करूँगी। इसमें से प्लस एक लिपस्टिक मेरे फ्रेंड ने सिंगापुर से लाई थी, उसका भी मेरे पास लिंक नहीं है, तो जिसका भी लिंक मेरे पास होगा वो मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, जो भी प्राइजेस है मैं आपको स्क्रीन पे बाद में दे दूँगी, अभी मैं मोबाइल में नहीं देखने वाली हूँ, जस्ट आपको प्रोडक्ट बताऊँगी, क्वालिटी कैसे ये बताऊँगी। सो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये है वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट है, इसका जो कलर है बहुत ही प्रीटी शेड है ये, एंड आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, खान साड़ी का जो वीडियो है जो फेमस हुआ है उसमें भी मैंने यही वाला लिपस्टिक लगाया, क्योंकि मेरी जो साड़ी थी ये इसी शेड में थी। तो आपको मैं इसका स्वाच दिखाती हूँ, आपको ये प्रोडक्ट लेके थोड़ा सा ये करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर प्रोडक्ट आ जाता है। एंड यू कैन सी बहुत प्यारा कलर है ये, तो मैंने जो अभी लिपस्टिक लगाई है वैसे लग रहा, लेकिन वो नहीं है ये, आप देख सकते हो थोड़े पिंकिश शेड में है, ये पर्पल में है, पर्पल पिंक कलर में। तो ये वाला जो शेड है बहुत अच्छा है, ये मैंने मिंत्रा से परचेस की थी आई गेस, और इसका प्राइस जो मुझे याद आ रहा है आई थिंक था 349 रुपीज़। तो आप इसको परचेस कर सकते हो। सेकेंड में जो आपको लिपस्टिक दिखाने वाली हूँ ये है मेबेलिन की लिपस्टिक, ये भी मैंने नायका से परचेस की थी। ये वाला जो शेड है मुझे एक्चुअली ब्राउन कलर का शेड लेना था, डार्क ब्राउन कलर का, तो ये कोका बटर करके शेड है आई थिंक मेबेलिन का, तो इसलिए मैंने लिया था। बट जब ये मुझे रिसीव हुई तो ये मरून कलर की है, बट नॉट बैड, मतलब लिपस्टिक कोई भी हो यार, अगर आप फेयर होते हो तो ये लिपस्टिक्स कोई भी हो, कलर कोई भी हो, आपको सूट हो जाता है। वो आपको दिखाती हूँ मैं इसका जो स्वाच है, सी यू कैन सी इस टाइप की ये लिपस्टिक है, तो ये भी बहुत सुंदर लिपस्टिक है, जो लिक्विड लिपस्टिक है ना, जो आप फंक्शन में जाते हो, पार्टीज़ में जाते हो, लॉन्ग लास्टिंग आपको मेकअप करना है तो इसके लिए जो ये लिपस्टिक से बहुत ही लिक्विड लिपस्टिक अच्छी रहती है। एंड ये मेबेलिन वेट एंड वाइल्ड इसकी जो लिक्विड लिपस्टिक है ना, इसके लिए आपको कुछ भी मतलब लिप बाम आपको लगाते ही है हम लोग मॉइस्चराइजिंग के लिए, बट नहीं भी लगाओगे तो भी ये लिपस्टिक अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है आपके लिप्स पे। देन मैं आपको ये बताऊंगी लोटस की लिपस्टिक है ये, इसका भी मैं आपको प्राइस एंड लिंक दे दूंगी। तो ये कलर जो है ना, ये एक्चुअली मैं डेली भी चाहूँ ना तो भी मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि डेली हम लोग मेकअप नहीं करते, बट एक क्या बोलते हैं ना, एक लाइट सी लिपस्टिक हो तो फेस जो है थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाला जो शेड है आप देख सकते हो ऐसे ऑरेंज कलर में, बट ऐसे डार्क वाला चटपटा ऑरेंज नहीं है, ये बहुत ही डिसेंट सा सटल सा ऑरेंज कलर है। तो इसका मैं स्वाच आपको दिखाती हूँ, सी यू कैन सी ऐसे मराठी में अभी इसको बोलते हैं अबोली कलर, तो आई डोंट नो हिंदी में भी अबोली ही बोलेंगे मे बी, तो इस टाइप का ये कलर है। तो इसको तो मैं डेली भी यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वाली लिपस्टिक। देन आपको मैं दिखाने वाली हूँ मेबेलिन की, मैंने ये दो लिपस्टिक परचेस की थी, यू कैन सी मेबेलिन की। तो इसका जो शेड नंबर है ये
632 हॉट चिली है एंड इसका जो शेड नंबर है 631 मिस्टर यस मोशा करके है। तो मैं आपको इन दोनों का जो बेनिफिट है और डिफरेंस है वो दोनों बताने वाली हूँ, तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखना। ये जो फर्स्ट लिपस्टिक है मेबेलिन की, आप देख सकते हो ऐसे रेड कलर, रेड में इसका जो कलर है, इस लिपस्टिक्स का जो स्मेल है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा सा फ्रैग्रेंस है इसका। हाँ, ऐसे लगता है बार बार इसका फ्रैग्रेंस ले लूँ। और सेकंड में इसका जो टेक्सचर है ऐसा बटरी सॉफ्ट टेक्सचर है, आपके लिप्स पे एकदम इवनली ये लग जाएगा। तो इसका मैं आपको शेड दिखाती हूँ स्वाच करके। सी, बहुत ही प्यारा गुलाल गुलाल होता है ना, गुलाल उस टाइप का ये थोड़ा सा कलर है, तो ये बहुत अच्छा है। ये वाला शेड अगर आप लेते हो ब्राइड्स के लिए वगैरह, तो ये वाला शेड बहुत अच्छा है। देन मैं ये शेड के बारे में बताने वाली हूँ। आप सोचोगे ऐसा वाला शेड इसने क्यों लिया, मतलब ये क्या बोलते हैं, न्यूड कलर में है। न्यूड लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मैं न्यूड लिपस्टिक कलेक्शन रखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ज़्यादा करके जो बोल्ड लिपस्टिक है ना वो अच्छी लगती है, तो मैं वो बोल्ड को न्यूड बनाती हूँ बाय यूजिंग दिस लिपस्टिक्स। इसलिए मैंने ये एक ही लिपस्टिक ली है और मैं सारी लिपस्टिक को इसके हेल्प से जो है न्यूड बनाती हूँ। तो कोई भी आप कलर ले लो, अपने लिप्स पे अप्लाई करो बोल्ड वाला एंड देन ये लिपस्टिक अप्लाई करो, आपको एक अलग सा शेड देखने मिलेगा और प्लस न्यूड लिपस्टिक आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपको मिलेगी। तो आपको मैं इसका स्वाच दिखाती हूँ सबसे पहले। सी, यू कैन सी इस टाइप का इसका शेड है। अभी क्या हो रहा है, धूप ही आ रही है इसलिए थोड़ा ये दिख रहा है, बट मैं आपको इसका डेमो ज़रूर दूंगी। अगर मैं ये मेबेलिन की लिपस्टिक लगाती हूँ, अभी मैंने एक पहले लिपस्टिक लगाई हुई है, ठीक है, आप इसका शेड देख सकते हो, प्लस मैं ये वाली अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी द डिफरेंस ना, पहले जो लगाई थी वो थोड़ी फेंट में थी एंड ये जो है थोड़ी डार्क में है। एक्चुअली इसके कैप्स चेंज हो गए, ठीक है। अब अगर मैंने ये लिपस्टिक मैं लगाई है, मुझे ऐसे बोल्ड कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा न्यूड कलर चाहिए, तो मैं ये वाली लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। यू कैन सी, ये आप ऊपर के इसमें देखो लेयर्स, सी न्यूड सा कलर ये हो गया। मतलब पहले जो था चटपटा रेड कलर का लिपस्टिक में लगाया था, आप देख सकते हो, एंड देन मैंने इसको न्यूड करना चाहा तो मुझे अलग से ये वाला शेड परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये वाली एक लिपस्टिक ले लो मिस्टेरियस मोचा की, मेबेलिन की, एंड वो कोई भी आप बोल्ड कलर की लिपस्टिक लगाओगे उस पर अप्लाई करना, तो आपका जो न्यूड कलर है ये बन जाएगा। ये देखो कितना सटल सा और अच्छा, मतलब डिसेंट सा कलर लग रहा है मेरे फेस पे अगर मैं कहीं पे ऑफिस जा रही हूँ वगैरह, तो ये वाला जो कलर है बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, बोल्ड लिपस्टिक से भी अच्छा। नेक्स्ट मेरे पास कलर इसेंस की ये तीन लिपस्टिक है, तो मैं इसका भी आपको एक एक करके स्वाच दिखाती हूँ। कलर इसेंस की भी लिपस्टिक जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लिपस्टिक्स, तो आप देख सकते हो इस कलर का इसका स्वाच है। ये द फर्स्ट ऐसे रेडिश ब्राउन कलर का, मतलब सिमिलर वो मेबेलिन की रेड कलर की लिपस्टिक थी ना ऐसे दिखता है, बट वैसा नहीं, ये थोड़ा डार्क टोन में आएगा, डार्क शेड में आएगा। देन ये जो पिंक कलर की है, तो मैंने पूरी खा ली है, मतलब ख़त्म ही कर दी है, बट मैं फिर भी अगर दिखाना चाहूँ तो यू कैन सी बहुत ही प्यारा कलर था ये। जब मैं लिपस्टिक लगाती थी तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि कौन सा शेड है, कौन सी लिपस्टिक है, तो ये आप देख सकते हो पिंक कलर की लिपस्टिक है। एंड देन ये कलर इसेंस की और एक न्यूड वाली लिपस्टिक है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी मैंने बहुत सारी ख़त्म की है। मतलब जब घर पे आप हो, आपको अगर लिपस्टिक लगानी पसंद है, लगानी है, तो ये वाली लिपस्टिक आप लगा सकते हो। सी इस टाइप का इसका शेड है, तो मेरे ऑलमोस्ट जो शेड्स है वो ऐसे लग रहे होंगे सारे सिमिलर ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो ये वाले हो गए ये तीन लिपस्टिक्स। देन ये दो लिपस्टिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये मैंने पर्पल की पर्पल से ली थी और ये आई थिंक स्टेक वकी की है, या हाँ ये एसक्यू की दो मिनी लिपस्टिक्स है, एसक्यू की मैंने लिपस्टिक्स ली थी, तो ये भी लिपस्टिक्स अच्छी है।
अच्छा सा शेड है, लिक्विड लिपस्टिक्स ही है ये भी, तो आई विल शो यू। सी ये कलर की एक लिपस्टिक है, एंड सेकेंड वाली जो लिपस्टिक है ये वाली लिपस्टिक है ऑरेंज में। तो ये दो दो बॉटल्स है। ये लिपस्टिक का एक ही ड्रॉबैक है कि इसके पहले आपको ये जो है लिप बाम है ये ज़रूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो इसका मैं आपको स्वाच दिखाती हूँ, पूरा हाथ मैंने ख़राब किया है। सी यू कैन सी इस टाइप का इसका शेड है। इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा है इसका भी स्मेल, बट ये पता नहीं मुझे ना नेल पेंट्स की तरह ही लगती है। ये मुझे लगा था मैट लिपस्टिक आएगी, बट ये थोड़ा ऐसे ग्लॉसी टाइप लिपस्टिक है, एंड ग्लॉसी वाले कलर्स मुझे नहीं अच्छे लगते। तो पहले ऐसे ग्लॉसी लगती है लिप्स पे लगाने के बाद, एंड बाद में ये जब ड्राई हो जाएगी ना तो आपको मैट वाला लुक देगी। बट इसको निकालने के लिए बहुत थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ा ऐसे कलर हवा फैल जाता है। तो ये वाली जो लिपस्टिक है सस्ती है बट क्वालिटी ओके ओके है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब परचेस करके। ये वाला जो है मैं मुझे नहीं अच्छा इतना लगा, बट ये वाला अच्छा है और ये मैट लुक भी देता है जब आप लिप्स पे अप्लाई करोगे। ऑरेंज कलर का शेड है ये, तो ये अगेन ब्राइड्स के लिए ये वाला शेड जो है बहुत अच्छा है। एंड देन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं जैसे बोल रही हूँ देन मैं आपको दिखाने वाली हूँ जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे भाई ने यूके से लिपस्टिक्स लाई थी, तो ये वाली है। ये चार लिपस्टिक्स, इसका मैं आपको एक एक करके जो शेड है इस टाइप का मैं आपको जो लिंक है ना वो प्रोवाइड करूँगी, बट ये लिपस्टिक्स आपको नहीं मिलेगी। ये जो ब्रांड है आई थिंक द कलर वर्कशॉप करके ब्रांड है, तो ये मुझे यहाँ पर तो नहीं मिला। तो इसका जो शेड है अभी मेरा हाथ पूरा भर गया, यू कैन सी ये वाला शेड बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत प्यारा लगता है ये शेड। तो ये वाला शेड है। देन नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको वो जो शेड है, ये इस टाइप का शेड है। सी सेकेंड शेड, देन थर्ड शेड जो है वो ऐसे मरून कलर में शेड है। मरून नहीं बोल सकते, ये अलग ही शेड है, इसका नाम आई डोंट नो। एंड फाइनली जो एक शेड है ये न्यूड में आएगा, बट ये जो शेड है मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मेरे लिप्स पे ऐसे पैची पैची लगता है, तो ये मैं ज़्यादा करके यूज़ नहीं करती हूँ, यू कैन सी। तो इस लिपस्टिक्स का सॉरी लिपस्टिक का मैं जो यूज़ करती हूँ वो सेम वही जो बोल्ड लिपस्टिक है उसको अगर मुझे न्यूड बनाना हो तो उसके लिए मैं इस लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ। बट तो भी मैं ये ज़्यादा नहीं यूज़ करती क्योंकि आपको अभी कैमरा में कैप्चर नहीं होगा, बट आप देख सकते हो इसका जो टेक्चर है बहुत अलग है, बट इसका टेक्चर है बहुत अलग है। ये थोड़ा ऐसे पैची से दिखता है हमारे लिप्स पे। एंड ये वाली जो लिपस्टिक है ये भी मेरे फ्रेंड ने लाई हुई थी सिंगापुर से, तो इसका जो शेड है ये भी ऐसे ग्लॉसी लिपस्टिक है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। बट ये भी लिपस्टिक जो है ना मतलब मुझे लगता है ये लिप बाम की तरह ही है, मतलब इसका भी स्मेल बहुत ही अमेजिंग है, एंड प्लस लिप्स पे लगाने के बाद आपको ऐसे लिप्स आपके ड्राई नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे लिप्स। तो ये वाली भी लिपस्टिक जो है, बट इसका लिंक मैं नहीं आपको दे सकती हूँ। तो जो इसमें से मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक है वो है ये पांच लिपस्टिक्स। सो सारे जो है यूनिक कलर है, एंड यूनिक इसका जो बेनिफिट है पर्पज़ है, तो आप इन सारों को परचेस करना, आपके पास एक रेड वाली या मरून वाली लिपस्टिक मस्ट होने चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने ये रेड वाला दिखाया था, ये मेबिलिन का लिक्विड मरून एंड ये रेड, तो ये दो आपके पास मस्ट होने चाहिए। देन आपके पास एक ऑरेंज में भी है फेंट वाला, तो ये भी मस्ट होने चाहिए क्योंकि डेली में आप अगर इसको चाहो तो भी लगा सकते हो। तो ये वाला कलर भी आप ले सकते हो, लोटस की बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये। एंड देन आपके पास जैसे मैंने बोला ये मेबिलिन की, ये तो होनी ही चाहिए क्योंकि आप कोई भी बोल्ड लिपस्टिक लो आपको पसंद नहीं है यार बहुत डार्क लगती है, लेकिन इसको आप उस पर अप्लाई करोगे ना तो आप ज़रूर देखोगे कि एक नया कलर आपको देखने मिलेगा। एंड फाइनली ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, तो ये भी आपको लेना चाहिए, वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक।
तो सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। बहुत बहुत मेहनत करके मैं हमेशा ये सेंटेंस बोलती हूँ, आप बोर हो गए होंगे, बट मैं बहुत रियली मैं बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करना मेरे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको ये लिपस्टिक्स अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज। बाय बाय, थैंक यू।